हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टोकन के बारे में कि टोकन्स क्या होता है। ठीक है, और हम लोग जो लास्ट लेक्चर में देखे थे वो प्रैक्टिकल देखे थे और क्या पढ़े थे, C++ सेट कैरेक्टर। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं टोकन। ठीक है, कि टोकन क्या होता है, टोकन। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में आते रहता है। ठीक है, VBI है और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है इससे, टोकन। ठीक है, टोकन क्या होता है, टोकन जो भी हम लोग प्रोग्राम में यूज करते हैं, जो भी एक छोटा सा पॉइंट भी आप यूज कर रहे हो तो वो आपका टोकन है। ठीक है, जिसे एक डॉट यूज किया या फिर कोई वर्ड यूज कर रहे हो, बहुत सारे ऑपरेटर प्लस माइनस यूज कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड टोकन। ठीक है, वो सब सब क्या कहलाता है, टोकन कहलाता है। क्लियर, तो हम लोग यदि ना जानते कि एक छोटा सा पॉइंट भी यूज कर रहे हो तो वो टोकन है। इसका मतलब वो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट होता है प्रोग्राम के अंदर में, सबसे छोटा पार्ट होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टोकन कहते हैं। ठीक है, सिंपल लिखेंगे, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज नोन एज अ टोकन। वो क्या कहलाएगा, टोकन कहलाएगा। हम लोग ये लिखेंगे द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज नोन एज अ टोकन। क्या कहलाएगा, वो टोकन कहलाएगा। क्लियर है, आया समझ में? ठीक है, प्रोग्राम में जो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, टोकन कहते हैं। क्लियर है, C++ जो है वो अपने पास में बहुत सारे टोकन्स को रखता है। तो लिखेंगे सिंपल, C++ हैज द फॉलोइंग टोकन्स, बहुत सारे टोकन्स को अपने पास में रखते हैं C++। ठीक है, तो देखो पहला जो टोकन है वो आपका क्या है, कीवर्ड। क्या है, कीवर्ड्स। सेकेंड वन इज आइडेंटिफायर्स। क्लियर है, थर्ड में क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स को हम लोग लिटरल्स भी कहते हैं, लिटरल्स। क्लियर है, नेक्स्ट नंबर फोर जो है वो आपका है पंचुएटर। क्लियर है, और नंबर फाइव जो है वो है आपका ऑपरेटर्स। क्लियर है, अब हम लोग इसको देखेंगे कि ये टोकन्स जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको हम लोग टोकन्स कहते हैं। ठीक है, इसमें पांच तरह का होता है टोकन्स अवेलेबल। पहला कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, कॉन्स्टेंट्स या फिर लिटरल्स उसको बोलते हैं, या फिर आप नेक्स्ट अगला क्या बोलोगे, पंचुएटर्स और ऑपरेटर्स। ये सब सब आपका क्या है, टोकन्स है। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। ठीक है, ऑप्शंस दिया हुआ रहेगा और बोलेगा बताइए कि इनमें से कौन टोकन है। समझ में आ रहा है, विच आना, इसमें ये लिखा हुआ रहेगा कि कौन टोकन है, चार ऑप्शंस दिया हुआ रहेगा। तो पांच टोकन है टोटल, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, कॉन्स्टेंट्स, पंचुएटर्स, ऑपरेटर्स। अब हम लोग समझेंगे कीवर्ड्स के बारे में कि कीवर्ड्स होता क्या है। ठीक है, कीवर्ड्स, ठीक है, कीवर्ड्स में हम लोग समझेंगे कि कीवर्ड एक रिजर्व्ड वर्ड होता है। कौन सा वर्ड होता है, रिजर्व्ड वर्ड होता है। रिजर्व्ड मतलब समझ लो, रिजर्व्ड वर्ड किसको कहते हैं हम लोग, जिसका स्पेलिंग मीनिंग कुछ भी हम लोग चेंज नहीं कर सकते, वो एक प्रीडिफाइंड वर्ड होता है। प्रीडिफाइंड वर्ड किसको कहते हैं, जो वर्ड पहले से डिफाइंड है, जो कंपाइलर जो C++ को जो बनाए थे उनके द्वारा जो वर्ड पहले से डिफाइंड किया गया है उसको आप कभी चेंज नहीं कर सकते हो, ना स्पेलिंग चेंज कर सकते हो ना मीनिंग चेंज कर सकते हो। वैसे वर्ड को हम लोग प्रीडिफाइंड वर्ड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने इंट का यूज करते हो, इंट यूज करते हो ना, तो इंट किसके लिए यूज किया जाता है, इंटीजर के लिए किया जाता है कि नहीं? तो बताओ इंट की जगह पे हम लोग इंटीजर भी तो
पूरा लिख सकते थे, लेकिन क्या प्रोग्राम में ये सपोर्ट करता है? नहीं करता है। क्यों? क्योंकि जो C++ को बनाए थे उनके द्वारा ये वर्ड फिक्स कर दिया गया है, इसका स्पेलिंग मीनिंग हम लोग कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते हैं? सिर्फ यूज कर सकते हैं प्रोग्राम में, किस समय? जिस समय इसका जरूरत पड़ेगा बस यूज करेंगे, छोड़ देंगे, बाकी इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं कर सकते। तो वैसे वर्ड को हम लोग प्रीडिफाइंड वर्ड कहते हैं। प्रीडिफाइंड आया समझ में? जो वर्ड पहले से डिफाइंड है उसको हम लोग प्रीडिफाइंड वर्ड कहते हैं, या फिर रिजर्व वर्ड कहते हैं। तो हम लोग सिंपल लिखेंगे कीवर्ड्स, कीवर्ड्स आर प्रीडिफाइंड और रिजर्व्ड वर्ड्स। कौन सा वर्ड होता है? प्रीडिफाइंड वर्ड होता है या फिर वो रिजर्व्ड वर्ड होता है। क्लियर है? जिसका मतलब पहले से डिफाइंड होता है, इज ऑल रेडी रेडी डिफाइंड बाय कंपाइलर के द्वारा इसका मीनिंग पहले से डिफाइंड किया हुआ रहता है, हम लोग इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। या फिर आप इसको लिख सकते हो कि कीवर्ड को प्रोग्रामर के द्वारा चेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। लिख देते हैं कीवर्ड कैन नॉट बी चेंज्ड बाय द प्रोग्रामर के द्वारा चेंज नहीं किया जा सकता है। कौन? कीवर्ड, ठीक है। एक और कीवर्ड प्रोग्रामर के द्वारा चेंज नहीं किया जा सकता है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? सिंपल लिखे हैं कीवर्ड एक प्रीडिफाइंड और रिजर्व्ड वर्ड होता है जिसका मीनिंग पहले से डिफाइन किया हुआ रहता है, किसके द्वारा? कंपाइलर के द्वारा। क्लियर है? कीवर्ड चेंज नहीं किया जा सकता है किसके द्वारा? प्रोग्रामर के द्वारा। किसके द्वारा? प्रोग्रामर के द्वारा चेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या बोल सकते हो कि कीवर्ड जो भी लिखा हुआ रहेगा वो हमेशा स्मॉल लेटर में होना चाहिए, ठीक है, लोअर केस में लिखा हुआ होना चाहिए। तो आप सिंपल लिख सकते हो कीवर्ड्स आर ऑलवेज मतलब हमेशा, ऑलवेज रिटेन इन स्मॉलर या फिर लोअर केस, आप ये बोल सकते हो लोअर केस। कीवर्ड किस में लिखा हुआ होना चाहिए? लोअर केस में लिखा हुआ होना चाहिए। क्लियर है कॉन्सेप्ट? कीवर्ड आया समझ में? सिंपल याद रखना है कि कीवर्ड प्रीडिफाइंड और रिजर्व्ड वर्ड होता है, वो कंपाइलर के द्वारा डिफाइंड किया हुआ रहता है पहले से कंप्यूटर में, और उसका जो भी हम लोग लिखेंगे कंप्यूटर में वो सबका सब किस केस में होना चाहिए? लोअर केस में होना चाहिए, मतलब स्मॉल लेटर में डिफाइंड किया हुआ होना चाहिए। याद हो गया, ठीक है। अब C++ जो है वो बहुत सारे कीवर्ड्स को रखता है। तो C++ हैज द, या फिर आप ये लिख सकते हो C++ contains the following keywords। C++ बहुत सारे कीवर्ड्स को कंटेन करके रखता है। यहाँ पे देखें कि क्या क्या कीवर्ड कंटेन होता है। देखो ये अभी कीवर्ड हम लोग लिखेंगे, ये आपको रटना नहीं है, बाद में हम लोग वन बाय वन सारे कीवर्ड्स का यूज करेंगे। जब आप पूरा C++ पढ़ लोगे तो आपको लगभग 30 से 35 कीवर्ड्स अपने आप याद हो जाएगा। तो सिर्फ कीवर्ड का डेफिनेशन दिमाग में रखिएगा। तो इसका तो डेफिनेशन सिंपल है कि कीवर्ड एक प्रीडिफाइंड वर्ड है या रिजर्व्ड वर्ड है जिसका मीनिंग पहले से डिफाइंड होता है कंपाइलर के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और कीवर्ड को हम लोग चेंज नहीं कर सकते या कीवर्ड चेंज नहीं किया जा सकता है किसके द्वारा? प्रोग्रामर के द्वारा।
और कीवर्ड का जो भी लिखा हुआ रहेगा वो सबका सब लोअर केस में होना चाहिए, ठीक है। और कीवर्ड हमेशा कंटेन करता है, बहुत सारे कीवर्ड्स को कंटेन करके रखता है कौन, सी प्लस प्लस। ये तो हो गया। अब आप देखिए आप क्या क्या इसमें लिखो, देखिएगा कीवर्ड्स में हम लोग लिख रहे हैं। यहाँ तक लिखने के बाद आप यहाँ पे आओगे और लिखोगे, देखो जैसे मैं आपका ए एस एम ये कीवर्ड क्लियर है, ये कीवर्ड है, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा ऑटो, ऑटो ये कीवर्ड है, ठीक है। केस ये आपका कीवर्ड है, ठीक है। या फिर आप पहले लिखो बुल, बुल आपका क्या है, कीवर्ड है, ठीक है। ब्रेक आपका कीवर्ड है, सब स्मॉल लेटर में होना चाहिए, ठीक है। और फिर क्या रहा आपका, ब्रेक कीवर्ड हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट बोलिए, नेक्स्ट आपका हो जाएगा केस, ठीक है। नेक्स्ट कंटिन्यू, कंटिन्यू क्लियर है, ये हो गया। उसके बाद आप क्या लिख सकते हो, डू, डू आपका क्या है, कीवर्ड है, ठीक है। डिफॉल्ट, डिफॉल्ट आपका क्या है, कीवर्ड है, डिफॉल्ट, ठीक है। और क्या है, डिलीट आपका कीवर्ड है, डिलीट, ठीक है, डिलीट आपका कीवर्ड है। और एल्स आपका कीवर्ड है, एल्स, ठीक है। एक्सटेन आपका कीवर्ड है, ठीक है। और क्या कीवर्ड है आपका, ठीक है, ये सब आपका कीवर्ड्स हैं। एक्सटेन और भी आप बोल सकते हो, ठीक है। आपका फॉल्स कीवर्ड है, फॉल्स कीवर्ड है, ठीक है। और भी आपका कीवर्ड है, इफ कीवर्ड है, इफ, इंट कीवर्ड है, फ्लॉट कीवर्ड है, ये सब कीवर्ड है, ठीक है। और क्या है आपका, फ्लॉट हो गया, फिर आपका क्लास कीवर्ड है, ठीक है, स्विच कीवर्ड है, और भी आप कीवर्ड्स लिख सकते हो, ठीक है। ट्रू कीवर्ड है, और स्टैटिक कीवर्ड है, ठीक है, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टिव, ठीक है, दिस, ये भी आपका कीवर्ड है, ठीक है, दिस, और इनलाइन, इनलाइन, फ्रेंड, फ्रेंड आपका कीवर्ड है, ठीक है। और भी आप कीवर्ड लिख सकते हो, क्या क्या कीवर्ड्स लिख सकते हो, न्यू, न्यू आपका कीवर्ड है, साइज ऑफ कीवर्ड है, वॉइड आपका कीवर्ड है, ठीक है, मेन फंक्शन वॉइड सिर्फ कीवर्ड है, ठीक है, वॉइड आपका कीवर्ड है। और रिटर्न, रिटर्न आपका कीवर्ड है, गो टू आपका कीवर्ड है, ठीक है, एक्सेट्रा, ऐसा ऐसा बहुत सारे कीवर्ड्स अवेलेबल है सी प्लस प्लस में, और भी बहुत सारा कीवर्ड्स जो है वो अवेलेबल है सी प्लस प्लस में। अब आप समझ रहे हो सर इतना सारा हम लोग याद कैसे करेंगे, तो आपको याद नहीं करना है, हम लोग जब आगे पढ़ते जाएंगे इतना ज्यादा यूज है इसका कि आपका खुद से अपने आप याद हो जाएगा कीवर्ड्स, समझ में आ रहा है, तो ज्यादा इस पर ध्यान नहीं देना है। थ्योरी आया समझ में आप लोग को। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई, आइडेंटिफायर क्या होता है, तो देखो आइडेंटिफायर एक नेम होता है जिसके द्वारा हम लोग कॉल करते हैं। आइडेंटिफायर मतलब होता है पहचान, जो हम लोग का नाम होता है, जो पहचान होता है उसी को हम लोग आइडेंटिफायर कहते हैं, ठीक है। तो बताओ अगर मेरा नाम सुरेंद्र है तो मेरा आइडेंटिफिकेशन क्या होगा, सुरेंद्र, कोई भी हमको कॉल करेगा तो सुरेंद्र से ही कॉल करेगा, उसी तरह से आइडेंटिफायर एक नाम होता है। तो किसके किसके लिए नाम हो सकता है, जैसे आप अपने दिमाग में सोचो कि आइडेंटिफायर एक नाम होता है, तो एक कोई क्लास का नाम हो सकता है, कहीं पार्टी फंक्शन कुछ हो रहा है उसका नाम हो सकता है, ठीक है, स्ट्रक्चर का, जगह का नाम हो सकता है, वेरिएबल का नाम हो सकता है, वेरिएबल ए बी सी डी एक्स वाई जेड ये सब रहता है कि नहीं, तो वो सब क्या है, नाम है। तो सिंपल हम लोग लिखेंगे कि एन आइडेंटिफायर, एन आइडेंटिफायर इज अ नेम, आइडेंटिफायर क्या होता है, नाम होता है, फोर, इसके लिए फोर वेरिएबल्स के लिए,
वेरिएबल्स के लिए, कॉमा फंक्शंस के लिए, ठीक है, फंक्शंस के लिए, या फिर क्लास के लिए, क्लासेस के लिए, एटसेट्रा, ऐसा ऐसा बहुत सारे आइडेंटिफायर्स होते हैं। तो आपको अगर याद नहीं रहेगा तो आइडेंटिफायर सिंपल याद रखना कि जिसके द्वारा हम किसी को कॉल करते हैं उसी को आइडेंटिफायर कहते हैं। चलो इसको भी लिख देते हैं, पर आप चेंज करके लिखिएगा, एन आइडेंटी, आइडेंटी आइडेंटिफायर बाय विच जिसके द्वारा हम लोग वी कैन कॉल कर सकते हैं इट बाय नेम। उसको क्या किसके द्वारा कॉल कर सकते हैं, नेम के द्वारा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, आइडेंटिफायर कहेंगे। क्लियर है कॉन्सेप्ट, क्या क्या पढ़े इसमें, पहला पढ़े टोकन, टोकन स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट होता है प्रोग्राम का, समझ में आया, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट होता है कौन, टोकन। सेकंड पॉइंट आया समझ में, कीवर्ड एक प्रीडिफाइंड वर्ड और रिजर्व्ड वर्ड होता है जिसका मीनिंग पहले से डिफाइंड किया जाता है किसके द्वारा, कंपाइलर के द्वारा, ठीक है, प्रोग्रामर उसके मीनिंग को चेंज नहीं कर सकता है। कीवर्ड हमेशा लिखा जाएगा किस केस में, लोअर केस में, क्लियर है। और C++ कंटेन करके रखता है बहुत सारे कीवर्ड्स को, क्लियर है, जो ये सब टर्म्स आ जाते हैं, नाम आपको पता है, सब रीड करके पता है, और आइडेंटिफायर नाम को कहते हैं, आइडेंटिफायर किसको कहते हैं, नेम को कहते हैं, क्लियर है कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कॉन्स्टेंट्स, पंचुएटर, ऑपरेटर, क्लियर है, ठीक है, थैंक यू।